अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रेड एट का जो चैप्टर नंबर 5 है, पीरियोडिक टेबल। हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल किस तरह से बनाया गया है, उसके अंदर एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया गया है, तो उसकी हम बात करेंगे। तो अगर आप जो है अपनी बुक में जो पेज नंबर है, पेज नंबर इज़ 47, तो आपके पेज नंबर 47 पर पीरियोडिक टेबल गिवन है। हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो 92 हैं। ये सब एलिमेंट्स जो हैं सब नेचुरली मेड हैं, इनके कॉम्बिनेशन से इनको जब इनको कंबाइन किया जाता है तो किसी भी न्यू एलिमेंट को जब जनरेट किया जाता है तो वो आर्टिफिशियल होते हैं। बाकी ये 92 जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली अकर्ड हैं। उसके अलावा अगर आप हमारे पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो उसकी एक सिमेट्री है, उसमें एक एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है। जैसा कि आप देखेंगे हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसको पीरियड्स में और ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अगर वर्टिकली आप देखेंगे तो वर्टिकली जो है वो पीरियड्स होते हैं, जो वर्टिकली होते हैं वो पीरियड्स होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टली आप इधर देख लेंगे तो हॉरिजॉन्टली जो है वो ग्रुप्स को रिप्रेजेंट किया जाता है पीरियोडिक टेबल में। अब जितने भी ये रोज होंगे हमारे पीरियोडिक टेबल में, टोटल जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो 7 हैं। हमारे पीरियोडिक में टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स जो हैं वो 7 हैं। इसका मतलब जितनी भी रोज़ होंगी वो क्या कहलाएंगी, पीरियड्स कहलाएंगी। तो टोटल जो रोज़ है हमारे पीरियोडिक टेबल में वो 7 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गई पीरियड्स की बात। अब आ जाते हैं हम ग्रुप्स पे। अब जो वर्टिकली जो कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, उन कॉलम्स को कहा जाता है ग्रुप्स। तो अगर कॉलम्स की तरफ आप देख लेते हैं तो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, वो हैं 18। पीरियड्स कितने हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, 7, और जो ग्रुप्स हैं वो कितने हैं, 18। तो हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल को 7 पीरियड्स में और 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट आप आ जाते हैं, अगर पेज नंबर 48 जो है उस पर आप आएँ तो यहाँ पर आपको टेबल 5.1 जो है वो गिवन है, जिसमें जो है पीरियड्स के बारे में आपको बताया गया है कि हर पीरियड का एक स्पेसिफिक नेम है। जैसे कि फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड का जो नेम है, फर्स्ट पीरियड को कहा जाता है शॉर्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड को कहा जाता है शॉर्ट पीरियड। जो ये सेकंड और थर्ड पीरियड है इनको कहा जाता है नॉर्मल पीरियड। उसके बाद जो हमारा फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है इनको कहा जाता है लॉन्ग पीरियड। और जो लास्ट टू पीरियड्स हैं उनको कहा जाता है वेरी लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। अब अगर इसी टेबल में अगर हम देखेंगे तो हमारे जो हर पीरियड है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी यहाँ पर गिवन है। तो शॉर्ट पीरियड जो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास 2 गिवन है। जो हमारा सेकंड पीरियड है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 8 एलिमेंट्स गिवन है। जो थर्ड पीरियड है उसमें भी नंबर ऑफ सेम एलिमेंट्स, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो पीरियड नंबर 2 में और पीरियड नंबर 3 में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो दोनों सेम हैं। अगर फोर्थ लॉन्ग पीरियड में अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें तो वो 18 एलिमेंट्स जो हमारे फोर्थ पीरियड में है वो प्रेजेंट हैं। फिफ्थ पीरियड को भी क्योंकि लॉन्ग पीरियड ही कहा जाता है तो इन दोनों लॉन्ग पीरियड्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो दोनों सेम हैं।
लास्ट टू अगर देखा जाए तो सिक्स और सेवन पीरियड जो कि वेरी लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं, उन दोनों में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 32 एलिमेंट्स गिवन हैं। अब ये फर्स्ट पीरियड को तो शॉर्ट पीरियड का नाम दिया गया है, जो सेकंड और थर्ड है आपने नोट किया होगा, सेकंड थर्ड का नेम सेम है, फोर्थ फिफ्थ का भी नेम सेम है और सिक्स सेवन पीरियड का भी जो नेम है वो सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं उनके सेम हैं। सेकंड और थर्ड पीरियड जिसे नॉर्मल पीरियड कहा जाता है, इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। जो लॉन्ग पीरियड है जिसे थर्ड और फोर्थ पीरियड है जिसे लॉन्ग पीरियड कहा जाता है, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। और जो हमारे पास लास्ट सिक्स और सेवन पीरियड है, इनको वेरी लॉन्ग पीरियड का नाम दिया गया, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम है, विच इज़ द 32। अब नेक्स्ट अगर आप देखेंगे पेज नंबर 49 पे, तो वो यहाँ पर एक टेबल गिवन है जिसमें ग्रुप्स डिफरेंट ग्रुप्स के नंबर्स गिवन है और हर ग्रुप का एक स्पेसिफिक नेम है। हर ग्रुप को एक डिफरेंट फैमिली में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो अगर आप इस टेबल में देखेंगे तो ग्रुप नंबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके ऑर्बिट्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, वो 1 है। और उस फैमिली का नाम क्या है, ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका नाम क्या है, उनको एल्केलाई मेटल्स कहा जाता है। वैसे ही ग्रुप 2 में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 2 हैं, इसीलिए उसे क्या कहा गया है, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स का नाम दिया गया है। उसी तरह जो 3 to 12 ग्रुप है, 3 से लेकर 12 तक जितने भी ग्रुप्स हैं उन सबको ट्रांजिशन मेटल्स का नाम दिया गया है। इधर यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसीलिए नहीं गिवन, क्योंकि इनके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते, इनके जो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वेरी करते हैं। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं ग्रुप नंबर 13 में कितने इलेक्ट्रॉन्स इनके वैलेंस शेल में प्रेजेंट है, 3, और इस फैमिली का नाम है बोरोन। इसी तरह से अगर आप इस टेबल को देख लेंगे तो हर टेबल का एक स्पेसिफिक नेम है और हर ग्रुप में सेम नेचर के, सेम बिहेवियर के जो एलिमेंट्स हैं वही प्रेजेंट है, वही लोकेट करते हैं। यहाँ तक जो है हमने पीरियडिक टेबल की बात हमने कर ली। यहाँ मैंने आपको पीरियड्स का बता दिया, ग्रुप्स का बता दिया, किस तरह से एलिमेंट्स को पीरियडिक टेबल में अरेंज किया गया है, प्लेस किया गया है। यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था 5.1 पीरियडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ ये हमारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसका आपको कवर करवाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।